जब एक लड़की की शादी होती है तब वह गृह प्रवेश करती है, यानी वो अपने पति के घर में प्रवेश करती है। ये एक बड़ी चीज़ है। अब ऐसा नहीं होता क्योंकि वे पहले ही साथ रहने लगे हैं। पहले बड़ा आयोजन होता था और उन्होंने इसे एक बहुत पवित्र प्रक्रिया बनाया था, क्योंकि एक तो ये कि आपके घर में जिस तरह की महिला आती है उससे आपके जीवन की प्रकृति तय होती है, और आप कैसे बच्चे पैदा करते हैं, आपका भविष्य, आपकी संतान, वे कैसे रहते हैं, ये सब कुछ इससे तय होता है कि किस किस्म की महिला आती है। दूसरी चीज़ ये है कि वो कैसे प्रवेश करती है, वो भी चीज़ें तय करता है। वो जैसी भी हो पर वो कैसे प्रवेश करती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो वे चाहते थे कि वो घर में पूरे सम्मान के साथ सबसे शुभ घड़ी में प्रवेश करे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो उस घर में प्रेम से प्रवेश करे। ये बहुत ज़रूरी है कि वो उस घर के प्रति पूरी तरह से समर्पित होने की इच्छा से प्रवेश करे। अगर वो अपने मन में, अपने दिल में कोई और चीज़ लेकर आती है तो वो उस परिवार को लाखों अलग तरीकों से बर्बाद कर सकती है। वो गलत तरह के बच्चे पैदा कर सकती है। लोग ये चीज़ें जानते हैं कि अगर वो घर में एक खास तरह की भावना के साथ प्रवेश करती है तो कल जब वो गर्भ धारण करेगी तो वो गलत तरह के जीवन को आकर्षित करेगी और गलत तरह के बच्चे पैदा करेगी, जिससे आपको जीवन भर कष्ट पहुंचेगा। अगर कोई बच्चा आपके घर में आता है तो वो भयंकर परेशानी पैदा कर सकता है। वो किस तरह प्रवेश करती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए घर में प्रवेश करने से जुड़ी कई रस्में हैं। ये गृह प्रवेश है, ये एक पुराना घर है पर वो प्रवेश कर रही है, तो इससे जुड़ी बड़ी रस्म होती है। धीरे धीरे ये रस्म छोटी और ज्यादा छोटी होती चली गई है, और अब वो शादी से पहले ही घर आ जाती है। तो अब इसका कोई मायने नहीं रह गया कि वो कैसे प्रवेश करती है, क्योंकि आपको ये समझना होगा, आज शादी मतलब है कि आप सोचते हैं कि दो लोगों के बीच थोड़ा सा रोमांस, पर पहले वे इसे ऐसे नहीं देखते थे। उन्होंने इसे एक साझेदारी की तरह देखा जिससे उनके और उनके बच्चों के बारे में सब कुछ तय होगा, और इस परिवार का भविष्य इस पर निर्भर करेगा कि वो महिला कैसी है और इस घर में कैसे प्रवेश करती है। तो उन्होंने पूरा ध्यान रखा कि वो घर में सही तरीके से प्रवेश करें।